नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया, स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, किडनी की प्रॉब्लम और किडनी के पेशेंट्स आज हमारे देश में करोड़ों की संख्या में हो चुके हैं, लेकिन दुखद बात है कि आज भी कोई सही सटीक इलाज उन्हें नहीं मिल पाता है। और कई बार सही सटीक इलाज होता भी है तो लोग भ्रम और कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सही टाइम पर सही इलाज पा सकते हैं या उनको ऐसा ही इलाज मिल पाता है। लेकिन आज मैं जिस पेशेंट्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, जिस केस स्टडी डिस्कस करने वाला हूं, वो उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिनको सही टाइम पे सही इलाज मिला और उनको चमत्कार रिजल्ट भी मिला। मैं बात करने वाला हूं बच्चा लाल जी का। बच्चा लाल जी जो कि उत्तर प्रदेश बलिया के निवासी हैं और लगभग 60 साल उम्र के हैं। इन्हें किडनी के प्रॉब्लम का पता चला, क्रिएटिनिन अचानक से इनका बढ़ा और बढ़ते बढ़ते 6 से भी ऊपर हो गया। डायलिसिस की नौबत आ गई, स्थिति क्रिटिकल हो गई। नॉर्मली ऐसे केस में लोग भागते हैं एलोपैथी इलाज की तरफ, जहां केस और ज्यादा बिगड़ जाता है, या कई सारे फर्जी आयुर्वेद डॉक्टर्स या बहुत तरह के और फेक इलाज करने वाले लोगों के चक्कर पड़ते हैं, जहां उनका टाइम, पैसा और विश्वास सब खत्म हो जाता है। लेकिन बच्चा लाल जी के साथ अच्छी बात यह हुई कि इनके कोई परिचित जो पहले से जुड़े थे बीके आरोग्यम से और जिनको इसके बारे में अच्छे से जानकारी था, उन्होंने इनको पूरे विश्वास के साथ कॉन्फिडेंटली इन्फॉर्म किया और ये बिना भटके, बिना कंफ्यूज हुए, बिना एलोपैथ या अन्य पैथियों में अपना समय खराब किए सीधे हमारे पास आ गए। इन्होंने अपना इलाज शुरू किया स्टेज 3 होने के बाद, यानी हमारे अनुसार वो स्टेज जहां हम एडमिट की प्रोसीजर करते हैं। लेकिन हमने इनकी इनिशियल कंडीशन देखते हुए ये डिसाइड किया कि एडमिट के बजाय हम दवाओं से ही आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इन्हें डायलिसिस से बचा पाएं और हम इनको एक नॉर्मल जिंदगी दे पाएं। क्या हुआ बच्चा लाल जी के साथ, जहां इन्होंने एडमिट की जगह सिर्फ दवाओं के साथ इलाज शुरू किया? क्या हुआ इनके साथ अगले कुछ दिनों के अंदर इलाज शुरू करने के, क्या इंप्रूवमेंट मिला? आइए हम सुनते हैं इनकी जवानी। मेरा नाम भैरव कुमार यादव, मैं बलिया निवासी हूँ। मेरे पिताजी किडनी के पेशेंट हैं, उनका नाम श्री बच्चा लाल यादव, उनका एज 60 साल है। मैं 13 नवंबर को उनका जांच करवाया था तो किडनी में इन्फेक्शन 6.5 था। उसके बाद यहाँ बीके आरोग्यम से हम अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। यहाँ आए, आने के बाद दवा ले गए, उसके बाद से फिर दवा चलाने के बाद 1 हफ्ते बाद एक जांच हमने करवाए। उसके बाद उस जांच में हमको 2.46 रिपोर्ट आया, 6.5 से कम होकर 2.46। उसके बाद फिर 15 दिन के बाद जांच करवाया, उसमें 1.28 आया। फिर तीसरा रिपोर्ट करवाया 1 महीने बाद, तो उसमें 0.78 आया। उसके बाद से अभी भी हमारा यहाँ से बीके आरोग्यम से ट्रीटमेंट हमारे पिताजी का चलता है। अभी मैं यहाँ आया हूँ दवा ले जाने के लिए। बहुत बढ़िया है डॉक्टर, बहुत बढ़िया है। यहाँ हम इनको भगवान मानते हैं, जो हमारे पिताजी का जिंदगी वापस आ गई जी। और उनको फिजिकली सिम्टम कोई परेशानी दिक्कत? जी अभी तो कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ा कमजोरी है। कमजोरी हो, तो एज हो गया है तो? जी। और सब कोई भी दिक्कत नहीं? करवाएंगे? जी नहीं, एक बार भी डायलिसिस नहीं हुआ। कितना ट्रीटमेंट हो गया था? कुछ है? हाँ, 6.5 हो गया था जी। 6.5 डायलिसिस होता है जी? यहाँ पे आपको डायलिसिस भी नहीं? जी नहीं। 0.78 जी। आप संतुष्ट हैं? हाँ ओके, नहीं कोई परेशानी नहीं सर। आपने इस स्टेटमेंट को सुना, कई लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसका डायलिसिस होने जा रहा था और उसका कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर क्रिएटिनिन नॉर्मल रेंज में आ गया, यानी कि 1 से भी नीचे 0.78 क्रिएटिनिन आ चुका है, यूरिया भी नॉर्मल रेंज में आ चुका है, हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो चुका है और पूरी तरह से आज बच्चा लाल जी स्वस्थ है। इसमें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे पास जो पेशेंट्स पहुँचते हैं वो नॉर्मली महीनों या कई बार सालों का समय खराब कर चुके होते हैं और इस समय के दौरान वो बहुत सारे अलग अलग इलाज लेके, एलोपैथ के, आयुर्वेद के नाम पे फर्जी डॉक्टर्स का इलाज ले लेके अपना कंडीशन और खराब कर चुके होते हैं।
ऐसे केसेस में रिकवर होने में टाइम लगता है, लेकिन अगर कोई आदमी सही टाइम पे इंस्टेंटली बगैर कंफ्यूज हुए हमारे पास पहुंच पाता है तो उसको वही रिजल्ट मिलता है जो बच्चा लालजी को मिला है। और यही कारण है कि जो हमारे पास समय पहुंच जाते हैं उन्हें हम फास्ट रिलीफ दे पाते हैं, पूरा आराम दे पाते हैं, बनस्पत उनके जो बहुत जगहों भटकने के बाद आते हैं उन्हें स्लो आराम मिलता है और देर में मिलता है। तो बच्चा लाल जी एक एग्जाम्पल है, उन हजारों लाखों लोगों में से एक है जिन्होंने साबित किया कि किडनी फेलियर से लड़ा और जीता जा सकता है, गंभीर रोगों को हराया जा सकता है, आपके शरीर में हो सकती है, अगर सही इलाज आपको मिल जाए तो आप फाइट करके जीत हासिल कर सकते हैं। ये आशा की किरण है ऐसे लोगों के लिए जो निराश हो चुके हैं या जो एलोपैथ को ही इलाज या मौत को अपनी नियति मान चुके हैं। आप या आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति अगर किडनी की प्रॉब्लम से पीड़ित है या किसी गंभीर रोग से पीड़ित है, ये वीडियो उस तक पहुंचाएं, आपकी एक शेयर किसी की लाइफ बचा सकती है। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछें या डायरेक्टली कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।